हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 की GBSC की संस्कृत की लेसन नंबर 4, वल्लभी विद्या स्थानम। दैट मीन्स वल्लभ द प्लेस ऑफ लर्निंग। वल्लभी ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई की जाती हो और पढ़ने की एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस। द एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रिवलेंट। देखने जाए तो इंडिया में पहले के ज़माने में एजुकेशन बहुत ही वाइड स्प्रेड और प्रिवलेंट हुआ करता था। स्पेशली अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी, उसमें से वल्लभी यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है। इन द एंशिएंट ग्रेटर इंडिया देयर वर द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग इन मैनी बिग सिटीज वेयर द स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टडीड। देखने जाए तो यहाँ पे अलग अलग ये सेंटर पे सब लोग बड़े बड़े देशों में से अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट से यहाँ पे स्टडी करने आते थे। वन सच सेंटर ऑफ द लर्निंग वॉज इन गुजरात। और एक जो हम लोग ये लेसन्स में पढ़ने वाले हैं वो सेंटर है गुजरात के। इन दिस लेसन एन इंट्रोडक्शन इज गिवन ऑफ द सेंटर। ये लेसन के अंदर वो सेंटर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। Mainly, this lessons has been written in such a way that given an idea of teaching learning matter of such center. ये लेसन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे किस हिसाब से टीचिंग और लर्निंग होती है, उसकी आइडिया हमें ये लेसन से मिलेगी। एज अ कॉन्टेंट ऑफ दिस लेसन्स डील विद द पास्ट। ये लेसन का सब कॉन्टेंट पास्ट से रिलेटेड है। एन अटेम्प्ट हैज़ टू बी मेड टू टीच अ यूज ऑफ अ पास्ट टेंस टू इन द सेंटेंस हियर। यहाँ पे ये लेसन का मतलब पास्ट टेंस के बारे में आपको सिखाना है। द लैंग्वेज ऑफ दिस लेसन इज सिंपल। ये लेसन की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। यू कैन ऑल्सो लर्न द फॉर्म ऑफ नाउन एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड वर्ड। यहाँ पे आप खुद ही सीख सकते हो नाउन और कंपाउंड वर्ड को किस हिसाब से बनाना है पास्ट में अलॉन्ग विद द वर्ब फॉर्म। शुरू करते हैं लेसन। संप्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा संति। नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटी दैट आर वेरी फेमस। बहुत पहले के ज़माने के टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जो फेमस थी। उसमें से एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तेषु केचन इदा इटादशः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशः प्राप्तं छात्र स्वात्मानं धन्यं मन्यते। अमोंग देम देर आर सच दैट अ स्टूडेंट्स कंसिडर हिमसेल्फ लकी इफ ही गेट एडमिशन्स टू स्टडी दैट। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे यहाँ पे, वो अपने आप को लकी मानते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिल गया। एवमेव पुरा काले तवि अस्माकं भारत देशे एतादशं बहवः विश्वविद्यालय आसन। एग्जैक्टली इन द सेम वे इन द पास्ट ऑल्सो देर वर सच यूनिवर्सिटी इन अवर कंट्री इंडिया। इसी तरह से हमारे इंडिया में भी पास्ट में, मतलब देखने जाएंगे तो एंशिएंट टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तत्र विद्यानार्थाय दूरातः देशातः समागत्य प्रवेशम लब्धवा छात्रा स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस कंट्री यूज टू कंसिडर देमसेल्फ ब्लेस हैविंग सिक्योर एडमिशन देयर। और जो स्टूडेंट थे दूर दराज देश से जो आते थे, वो अपने आप को बहुत लकी मानते थे क्योंकि यहाँ पे उन्हें पढ़ने का मौका मिला था। एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालय अमोंग दिस वन वल्लभी यूनिवर्सिटी, उसमें से एक है वल्लभी यूनिवर्सिटी। मगध राज्य तथा नालंदा आसित तथेव अत्र गुज्जर प्रदेश वल्लभी आसित। एज देर वॉज अ नालंदा इन द किंगडम ऑफ द मगध, सिमिलरली देर इन द गुजरात देर वॉज वल्लभी। जैसे ही नालंदा के जो राजा थे उनके टाइम में, जो मगध के जो राजा थे, किंगडम मगध का जो किंगडम चल रहा था वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, वैसे ही गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी थी। अत्रापि सुदूरातः देशातः जना अध्ययनाय आगच्छति स्म। हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम फॉर द स्टडी फ्रॉम द डिस्टेंस कंट्री। यहाँ पे भी लोग दूर दराज के देशों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। अध्यतवे अश्मदीये गुज्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामक यदेकम उपनगरम वर्तते तत्रेव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसित। At present, in a Bhavnagar district, which is in our Gujarat state, there is one suburb by the name Vallabhi, where in ancient time there was a Vallabhi University. देखने जाएंगे तो भावनगर जिले में, जो गुजरात में है, वहाँ पे वल्लभी नाम के सबब हुआ करते थे, पूरा ग्रुप हुआ करता था, और वहाँ पे ancient time से वल्लभी University की रचना की गई। वस्तुतस्तु इदम् उपनगरम् प्राचीन कालादेवः अध्ययनम् अध्यानपनस्य केन्द्रमास्ति। एक्चुअली दिस सबर्ब वॉज द सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने के टाइम से ही ये लर्निंग और टीचिंग का
एक मेन सबअप सेंटर माना जाता था। पूर्वम असम अष्टादश विषयाः पठनं पाठनं च भवन्ति स्म। इन द पास्ट ईयर द लर्निंग एंड द टीचिंग ऑफ द 18 विद्यास यूज टू टेक प्लेस। यहाँ पे 8 अलग अलग टाइप की जो लर्निंग हुआ करती थी ब्रांच की, जो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, वो पढ़ाई जाती थी। इताशु विद्याशु चत्वारो वेदा शत वेदांगानी पुराणम न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद चत्वार उपवेद च समाविष्टा सन्ति। अमोंग देम वर इंक्लूडेड द 4 वेदास 6 वेदांगनास पुराणास न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद एंड 4 उपनिषद। यहाँ पे ये 4 चीज़ें पढ़ाई जाती थी। देखने जाए तो पूरी 8 सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें 4 वेद आ गए, जिसमें आ गया 6 वेदांगनास, पुराण आ गया, न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद और जो 4 उपनिषद है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केंद्र सज्जाता। लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ द जैन एंड द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। ये जैन और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का एक सेंटर माना जाने लगा था। खी सत्रस्य चतुर्थया शताब्दाम ऋग्वेदस्य भाष्कारः स्कंद स्वामी सर्जाता। इन द 4th सेंचुरी AD स्कंद स्वामी कॉमरेट्स ऑफ द ऋग्वेद लीव। देखने जाए तो जो ऋग्वेद के जो कॉमरेटर्स थे, जो सिखाते थे स्कंद स्वामी, वो भी यहीं पर रहते थे। सह अत्रैव अवसतः ही लीव हियर ओनली। वो यहीं पर रहते थे। एतत् सूचयति यतः गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलित स्म। दिस इंडिकेटेड दैट द गुप्ता पीरियड इवन द स्टडी ऑफ वेदास वॉज गोइंग ऑन। ये टाइम को गुप्ता पीरियड माना जाता था और यहाँ पे वेदास की स्टडी भी चलती थी, मतलब वहाँ पे वेदास की स्टडी करवाते थे। खिंदस्थ चतुर्था शब्दामय वह सुप्रसिद्ध हो बोधाचार्य हो स्थितिमति गुणमति जैनाचार्य श्रीमल्लिवारी सूरी च अत्रैव विद्याव्य संघ कुर्वन्ति स्म। इन द 4th सेंचुरी AD इटसेल्फ द वेरी फेमस बुद्धिस्ट टीचर स्थितिमति गुणमति जैन टीचर श्रीमल्लिवारी सूरी वर स्टडिंग हियर ओनली। देखने जाए तो बुद्धिस्ट जो टीचर थे वो ज़माने के 4th सेंचुरी के फेमस थिरुमति और गुणमति जे, ये यहाँ पे ही पढ़ाते थे और ये बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टीचर थे। और जो जैन टीचर थे श्रीमल्ली सूरी, वो भी यहीं पे स्टडी करते थे। इदत् सूचयति यत्रतः जैन बौद्ध दर्शनमापि अध्ययनं प्रचलिते स्म। दिस इंडिकेटेड दैट द स्टडी ऑफ द जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी वाज आल्सो गोइंग ऑन हियर। यहाँ से ये देखने को मिलता था कि ये जो सारे जो टीचर्स और बुद्धिस्ट टीचर्स जो यहाँ पे जैन टीचर्स पढ़ाते थे, उसका ये मतलब हो गया कि जैन और बुद्धिज्म फिलोसॉफी भी यहाँ पे पढ़वाई जाती थी। अत्र यथा रुचि यथा मति छात्रा अपतन। हियर द स्टूडेंट्स स्टडीज अकॉर्डिंग टू दैर लाइकिंग एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पे कोई कंपलसरी करिकुलम नहीं होता था, आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना था आपकी इंटेलिजेंस और लाइकिंग के हिसाब से पढ़ पाते थे। प्रवेशामर्थम प्रवेश परीक्षामपि भवन्ति स्म। देर यूज़ टू बी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन हियर। यहाँ पे उनके एडमिशन्स के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट ली जाती थी, मतलब कोई भी एडमिशन नहीं ले पाता था, उनको पहले उनकी टेस्ट पास करनी पड़ती थी, फिर जाके उनको एडमिशन मिलता था। तामोतीर्थम्स एवं अत्र छात्रस्य प्रवेश शक्तम आसीनम। ओनली आफ्टर पासिंग इट एडमिशन वॉज पॉसिबल। अगर आप वो एग्जामिनेशन पास करोगे तभी आपको वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। खिंदस्थ पंचमयाम शताब्दाम इदमुपनगरम मैत्रकारम राजधानी आसीत। इन द 5th सेंचुरी AD दिस सबर्ब वॉज अ कैपिटल ऑफ द मैत्रिका किंग। देखने चाहे तो 5th सेंचुरी में जो मैत्रिका किंग थे उनका ये सेंटर था, वो कैपिटल मानते थे इसको। मैत्रकारम व्यवसायानुसारम अध्ययनमस्य समाप्तमनन्तरं वादसभायां शास्त्राद् भवति स्म। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैत्रिकास आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द स्टोरी देर यूज टू बी अ सेशन ऑफ द इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स पैसेजेस। यहाँ पे पहले एक प्रोसीजर होती थी,
वो ख़त्म होने के बाद जब स्टडी ख़त्म हो जाती थी तो एक सेशन होता था, यहाँ पे ये सारे पैसेजेस का इंस्क्रिप्शंस दिया जाता था, उसका मीनिंग क्या होता है वो समझाया जाता था। शास्त्रात विभिन्नः मतः मतांतराम खंडनम मंदन पूर्वक विमर्शम भवति। इन द सेशन कॉल्ड शास्त्रात देर यूज टू बी अ डिस्कशन कंसिस्टिंग ऑफ रिफ्यूटेशंस एंड प्रोविंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिफरेंट आइडिया बिफोर अराइविंग एट द कंक्लूजन। और यहाँ पे डिस्कशन किया जाता था शास्त्र और खंड के बारे में, और एक कंक्लूजन पे आने से पहले वो लोग डिस्कस करते थे सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। अनेकस्में विजय नाराय राजा पारितोषित रूपेण भूमि अयच्छत। द किंग गेव द लैंड एज अ रिवॉर्ड टू द मैनी कैंडिडेट्स हु आर विक्टोरियस। यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे मैत्रिकास किंग, वो जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं जो जीत के आए हैं जिन्होंने हासिल किया हुआ है, उन्हें रिवॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें देते थे, स्पेशली लैंड। कदाचित विजयी नानाम नामामि विद्यापीठस्य द्वारे उत तिकानीय अभवत। समटाइम्स द नेम ऑफ द विक्टोरियस स्कॉलर्स वर इंस्क्राइब्स ऑन द डोर ऑफ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी पे जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं उनके नाम गुठवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे सोने के अक्षरों में। खित स्थानात पूर्व प्रायः पंचम शब्दार्थम भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत। महावीर वॉज बोर्न अप्रॉक्सीमेटली इन द 5th century BC। और यहाँ पे महावीर जन्म, महावीर जो थे जैनिज्म के फॉलोवर्स, 5th century में उनका जन्म हुआ था। तस्मिन काले भगवता महावीरेण यह उपदेश प्रदर्थ सह आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द लॉर्ड महावीरा देन इज फेमस बाय द नेम आगम। और जो महावीरा ने जो भी उपदेश दिए हुए थे वो आगम नाम से फेमस हुए थे। अयम आगम वर्ष पंचशतम यावत मौखिक परंपरा है सुरक्षित आसित। दिस आगम वॉज सेफ फॉर द 500 ईयर्स इन द ओरल ट्रेडिशन। और ये जो आगम ट्रेडिशन है वो लगभग 500 साल तक ओरली आगे बढ़ाया गया था। एवं ही श्रूयते यतः खितश्च तृतीयां शब्दांश नागार्जुनम नानम प्रसिद्धश्च विदुष अध्ययक्षतायाम एकाम जैन साधुनाम समिति मिलिता। इट इज इंडीड हियर दैट इन द 3rd century AD अ काउंसिल ऑफ द जैन मोंक मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फेमस स्कॉलर्स नागार्जुन। ऐसा माना जाता है कि 3rd century के आसपास जो जैन मोंक थे वो वहाँ के फेमस नागार्जुन स्कॉलर से मिले थे। अश्याम आगम ग्रंथया लेखनस्य प्रस्ताव भवतः। इन दिस मीटिंग द प्रपोजल ऑफ द राइटिंग डाउन द आगम ग्रंथ वॉज प्लेस। और इस मीटिंग के ड्यूरेशन में ये जो आगम ग्रंथ है उसको लिखने की बात बताई गई ताकि आगे की जनरेशन उसको पढ़ पाए। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नाम प्रसिद्ध जाता है। महावीर स्पीच ट्रांसक्राइब्स हियर बिकम फेमस बाय द नेम वल्लभी वाचना। और जो ये पूरी चीज़ें लिखी गई, ये जो ट्रांसलेशन जो महावीरा ने बोला था, इसको वल्लभी वाचना के नाम से फेमस किया गया। और ये बहुत ही फेमस है आज भी वल्लभी वाचना से। खितष्टश नवाभ्याम शताब्दा वल्लभी नगर विनाश अभवत। इन द 9th century AD द सबब ऑफ द वल्लभी वॉज रोइंग। 9th century के आसपास वल्लभी जो विद्यालय थे वो खराब हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। परंतु तस्य अवशेषा अद्यापि तस्य समृद्धि सूचयति। बट इवन टुडे इट्स रिमेन इंडिकेट्स इट्स प्रॉस्परिटी। आज भी उसके जो रिमेन्स है, बचा हुआ चीज़ें हैं, वो उसकी ग्लोरी प्रेजेंट करता है, उसकी प्रॉस्परिटी प्रेजेंट करता है। इवन भारतस्य प्राचीनेषु विद्या केंद्रेषु वल्लभी एकतमम आशित इतिहासे च अद्यापि वर्तते। इन दिस वे वल्लभी वॉज वन ऑफ द एंशियंट सेंटर ऑफ द लर्निंग इन द इंडिया एंड इन द हिस्ट्री स्टिलेस। देखने जाए तो आज भी पुराने ज़माने के सबसे फेमस जो एंशियंट सेंटर था वल्लभी लर्निंग के लिए इंडिया में माना जाता है।